Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video is all about unboxing and review. And also आपको thumbnail और title से already पता चल गया है कि video में हम किस topic पर discuss करने वाले हैं. आज के इस video में मैं case की oil के बारे में discuss करने वाली हूँ. तो मैं अपनी video में ना suspense नहीं रखती हूँ. So अगर आपको इस video को देखने की need है, अगर आप case की हेयर ऑयल को यूज करने के सोच रहे हैं, देन आप इस वीडियो को देख सकते हैं. ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. सो हाय, दिस इज मी पूनम एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है. तो आज की वीडियो में मैं केस किंग तेल का रिव्यू करने वाली हूँ एंड ऑल्सो ये जो हेयर ऑयल है, केस किंग हेयर ऑयल है, मैं इसे इस पैकेज को मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी. क्योंकि केस किंग के मैंने जब भी तेल खरीदे हैं, हेयर ऑयली जब भी मैंने खरीदे हैं, वो बड़ी बोतल खरीदी है जो मेरी कम से कम 3 महीने तो चली जाती थी. लेकिन अब जो मैंने आई थिंक जो छोटी बोतल खरीद के जो बड़ी मिस्टेक की है वो ये है कि अगर मैंने इसे हर हफ्ते में 3 बार भी लगाया तो तब भी वो 1 महीने भी नहीं टिक पाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है एंड मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये इतनी छोटी होगी. सो अगर आपको 50 ml की केस किंग की बोतल परचेज करना चाहते हैं, सो ये तो भैया आग बबूला हो गया. मैंने बैकग्राउंड का थीम रखा था और मुझे ये ना ऐसा लगता है कि आई थिंक मुझे ये हटा लेना चाहिए क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड में फायर लगा रहा है यार, और ये वॉल को भी बेकार कर रहा है. तो मैंने इसको वॉल से हटा दिया है और इसको मैं बुझा देती हूँ. तो मैं करने कुछ वाली थी और वो कुछ गया मेरे वीडियो में. सो अब जो भी कोई वीडियो देखेगा, एक तो वैसे ही टाइम नहीं था, ऊपर से ये जो मैंने ब्लास्ट, ऐसा लग रहा था मैं चंद्रयान 3 आज लॉन्च कर दिया गया, तो आज ये मेरा खुद का मतलब चंद्रयान 4 लॉन्च कर रही थी अभी, हो जाता मेरे साथ ऐसा. तो आते हैं, लेट्स कम टू द अपने पॉइंट पर आते हैं. और मैं बताने वाली थी कि अगर आप भी छोटी ml की बोतल खरीदने के सोच रहे हो तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ये आप जब खरीदोगे तो आपको ये 80 या 90 की मिलेगी और मुझे ये 90 की मिली है, 100 रुपये में से 10 रुपये कम. और आप सोच रहे हो कि अगर 10 रुपये की, अगर आप 100 रुपये की बोतल खरीदोगे केस किंग की जो 50 ml की आती है, तो वो कितने दिन चलेगी? सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम चलेगी, तो आप इसको परचेज ना करें. एंड पता नहीं क्यों मैंने ये खरीद ली, आई थिंक मेरे पास मनी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने सोचा कि छोटी खरीद लेते हैं. लेकिन कभी भी आप ये सोच के ना खरीदें कि 50 ml की बोतल अगर आप केस किंग की खरीदोगे तो वो आपके 100-100 रुपये से भी, मतलब 100 रुपये आप उसमें खर्च कर रहे हो और 100 रुपये आप उसको 10 दिन भी नहीं चला पाओगे तेल को, तो ऐसे तेल का क्या फ़ायदा है? इसीलिए आप इसको खरीदना मत. तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ. तो ये वाला है केस किंग ऑयल. और एक और चीज़, केस किंग के ना पाउच भी आते हैं आजकल मार्केट में, बट अभी मेरे इलाके में जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे ऐसा कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी ऐसा मेडिकल स्टोर नहीं है कि जो मुझे पाउच वाले केस किंग दे सके ऑयल के. सो मैंने देखी थी यार, ऑयल के भी देखे हैं एक वीडियो में और मैंने शैम्पू के भी देखे हैं केस किंग के, बट मुझे नहीं मिल रहा है. तो अगर आपको मिले तो आप उनको ट्राई कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है अकॉर्डिंग टू दिस. तो ये अब 50 ml की है जो मैंने खरीदी थी मेडिकल स्टोर से. और यार ये जब मैं देखो पैकेज दिखने में लग रहा है कि थोड़ा बहुत होगा, है ना, जब मैंने इसे ओपन नहीं किया था, लेकिन ओपन करने के बाद आप देख सकते हो मेरा हाथ मेरे घर में सबसे छोटा है और ये मेरे हाथ से भी छोटा है. तो ये इसमें कितनी ही क्वांटिटी होगी, एंड आई थिंक इसमें दो ये हाफ हाफ कटोरी करके जो हम बाउल एक छोटी बाउल होती है ना कटोरी, उसमें हम निकाल लेते हैं अपने हेयर्स लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से ऑयल, और उसके बाद हमें मिलता मतलब 2 बार में हो जाता है उसमें, ठीक है. लेकिन यहाँ कहने का सेंस ये है कि इसमें तेल बहुत कम है, तो आप इस वाले को ना खरीदें. लेकिन अगर बात करूँ इसकी ही अच्छा है या नहीं, तो आप इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देख सकती हो. केस किंग से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस
बना चुकी हूँ एंड प्रोडक्ट ये काफ़ी अच्छा है, इसका शैम्पू भी काफ़ी अच्छा है एंड ये तेल भी काफ़ी अच्छा है। तो जिसको अगर सूट कर जाता है ये वाला ऑयल और शैम्पू उनकी बल्ले बल्ले है, अगर जिनको नहीं कर पाता है ना तो वो मुझे डीएम करते रहते हैं और वो मुझे कॉमेंट्स करते रहते हैं और ये और बोलते हैं कि ये वर्क नहीं करता है, आप क्यों मूर्ख बना रही हो। बट ऐसा नहीं है, हर किसी को स्कैल्प की प्रॉब्लम अलग होती है तो उन पे अच्छे अलग ट्रीट करेगा और हर किसी और पर अलग तरह से ट्रीट करेगा। तो आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम क्या है पहले उसको समझे, देन उसके बाद आप इसको यूज करें। सो देखो सबका मोटिव तो यही है ना कि चाहे स्कैल्प की प्रॉब्लम कोई भी हो, बाल झड़ने का रीजन कोई भी हो, लेकिन उसको हम तरीका तो एक ही होगा उसको कंट्रोल करने का। बट किसी को सूट कर पाता है किसी को नहीं, तो जिनको केसिक सूट नहीं कर पाता है वो थोड़ा पेशेंट, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, तेल को भी टाइम दे, क्योंकि कोई मैजिक नहीं होगा इससे, ये भी ऑयली है, कोई वरदान नहीं है। तो ये भी काम करेगा तो धीरे धीरे करेगा, क्योंकि इससे पहले जो आप तेल या शैम्पू यूज़ करते थे उसको छोड़ के कुछ दिनों बाद आपको इसको दूसरे शैम्पू या तेल को यूज़ करना चाहिए। डायरेक्ट ये नहीं है कि आज आपने ये एक्स एक एक्स शैम्पू है तो आज अपने एक्स को यूज़ किया फिर कल एक्स ने काम नहीं किया दो दिन बाद तो अपने के स्किन को पकड़ लिया, तो ऐसे नहीं होता है। तो इतना तो हम सभी जानते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हो उसका रिजल्ट आप लोगों को मिले तो आप इसे कुछ महीने दीजिए एंड इसके बाद आप खुद देखना कि फर्क आपको मिल रहा है या फिर नहीं। और एक और चीज, मैंने आज अपने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है अभी थोड़ी देर पहले, आप चेक कर लेना। तो मैंने ना एक मैजिक वाटर बनाया है हेयर के लिए, तो आप जल्दी से जाइए उसे देख लीजिए। और बिलीव मी गाइस, उस वाले हेयर वाटर से जो मैंने मैजिक वाटर बनाया है, मैजिक वाटर मैंने ये खुद से नाम दे दिया है क्योंकि वो एक वाटर ही है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की है मैंने और उससे हेयर रिग्रोथ होंगे और लॉन्ग होंगे आपके। सो आप उसे चेक कर लेना। और रही बात इस वाले प्रोडक्ट की, तो आपको अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, बट मेरी एडवाइस यही होगी कि आप 100 रुपये की ये वाली बोतल ना खरीदें, अगर खरीदना है तो बड़ी वाली बोतल खरीदें। सो यस, यही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो वाकई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करना। बस नाइस, बाय, टेक केयर गाइज़।